फ्लैट म्यूजिक के शौकीन हैं और आपकी चॉइस में क्लासिकल या फिर जैज आता है तो आपको ओबेज का HT144 लेना चाहिए दैट इज द बेस्ट सिस्टम फॉर यू अगर आपको बेस हैवी म्यूजिक ज्यादा पसंद है तो आपके लिए ओबेज का 2605 विल बी द बेस्ट सिस्टम अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक सुनना है ज्यादा वही सुनते हैं आप तो आपको ओबेज का DT51 लेना चाहिए लेकिन अगर आप सभी टाइप के जॉनरा सुनते हैं आपको बॉलीवुड म्यूजिक भी सुनना है आपको पंजाबी भी सुनना है हार्ड रॉक भी सुनना है सॉफ्ट रॉक भी क्लासिकल भी और जैज भी तो आपके लिए है ओबेज का ट्रिपल सेवन। और इस सिस्टम को मैंने और ओबेज की टीम ने मिलकर ट्यून किया है हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वी वन मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको डिटेल्ड रिव्यू दिखाने वाला हूं एक ऐसे रेवोल्यूशनरी सिस्टम का जिसका नाम है ओबेज एस टी ट्रिपल सेवन दोस्तों मेरी ये एसोसिएशन ओबेज ब्रांड के साथ इस सिस्टम को ट्यून करने के लिए इसलिए हुई क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिसे हर टाइप का म्यूजिक लवर बहुत ज्यादा एंजॉय कर सके उसमें हर टाइप का जॉनरा प्ले हो सके और वो बेस्ट ही साउंड करे इसे कर पाना अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इसमें कई महीनों की मेहनत है ओबेज टीम की और मैंने हेल्प की उनकी इस सिस्टम को परफेक्शन की लेवल पे लाके ट्यून करने की आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा जरूर लेकिन एक बात आपको अभी बताता हूं इस सिस्टम को ट्यून मैंने किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कौन नहीं है प्रोज बताने से पहले वीएम वन चैनल पर आपको हमेशा कॉन्स दिखते हैं वो इस सिस्टम में इस वीडियो में भी दिखेंगे सबसे पहले थोड़ी सी लुक्स की बात कर लेते हैं एस टी ट्रिपल सेवन की इसके अंदर ट्वेल्व एम एम यानी हाफ ए इंच है एंड दैट इज और ये इसलिए है क्योंकि इसमें एट इंच का साबूफर लगा है एट इंच का साबूफर सेवनटी वॉट की पावर ले रहा है एंड दैट इज ह्यूमंगस क्योंकि जो बेस इसमें से आप अभी सुनेंगे आगे ऑडियो टेस्ट में वो आपको किसी और सिस्टम में नहीं सुनने को मिलेगी जो इससे भी बड़ी और रेवोल्यूशनरी बात है वो है इस सिस्टम के अंदर 6.5 इंच का मिड इतना बड़ा स्पीकर सिर्फ मिड्स को डिलीवर करने के लिए ना सिर्फ ये रेवोल्यूशनरी है बल्कि ऐसा काम किसी भी और सिस्टम या किसी और ब्रांड ने इस रेंज में कभी नहीं किया और इस स्पीकर को पावर दी गई है ट्वेंटी वॉट इसके अलावा आपको इसके अंदर एक 2.5 इंच का ट्वीटर भी मिलता है जिसको दी गई है 10 वॉट की पावर जो कि टोटल आउटपुट बनाता है इस स्पीकर का 100 वॉट एंड दैट इज ह्यूमंगस फॉर अ सिंगल टावर स्पीकर वाई एम आई से ही बताता हूं आपको जनरली हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसओवर हमें एक सिस्टम में मिलता है जो कि फ्रीक्वेंसी एम्प को भेजता है इस सिस्टम के अंदर भी वही है लेकिन एक बहुत मेजर चेंज करा गया है और वो मेजर चेंज है कि इस सिस्टम में तीन एम्पलीफायर्स का यूज करा गया है सेपरेट एम्पलीफायर्स फॉर सब स्पीकर एंड ट्विटर लो मिड और हाई फ्रीक्वेंसी को सब स्पीकर और ट्विटर के एम्पलीफायर्स में भेजता है जो फ्रीक्वेंसीज को फर्दर एम्पलीफाई करके आप तक म्यूजिक के रूप में पहुंचाते हैं तो इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा यह हुआ कि किसी भी लो फ्रीक्वेंसी को मिड वाले एम्पलीफायर की जरूरत नहीं है इसी तरह से मिड्स के लिए स्पीकर को किसी और एम्पलीफायर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास भी अपना एम्पलीफायर है एंड सेम इज द केस विद आल्सो इससे आपको जो कंट्रोल मिलता है जो नॉब्स आपने देखी अभी जिसमें आपको मिड कंट्रोल दिया गया दैट इज रेवल्यूशनरी उससे क्या फायदा होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी बताऊंगा भी और सुनाऊंगा भी अब स्ट्रेट बढ़ते हैं ऑडियो टेस्ट की तरफ लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि इस सिस्टम को ऑडियो टेस्ट करने से पहले हमने प्रॉपर बर्न इन किया है फॉर टेन आवर्स अगर आप भी यह सिस्टम या फिर कोई और सिस्टम खरीदें तो उससे पहले बर्न इन करें उसके बाद उसकी ऑडियो को टेस्ट करें क्योंकि यही सही तरीका है पहले आपको ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं फुल सेटिंग्स पे इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा अब इसी सेटिंग को मैं चेंज करूंगा और इसके ऑडियो सिग्नेचर को बिल्कुल ही बदल के आपको सुनाता हूं यही सॉन्ग

ट्रेबल भी ज्यादा और मिड्स थोड़े से कम आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज मिला और वो चेंज आपको किसी और सिस्टम में नहीं मिल सकता because किसी भी सिस्टम में कंट्रोल होता ही नहीं है अब हम बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की जो आपको एस टी ट्रिपल सेवन से अभी अभी सुनने को मिली और ये ऑडियो क्वालिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं एक ही वर्ड कहूंगा वर्सेटाइल क्योंकि आपके पास पूरा कंट्रोल है आप डिसाइड करेंगे कि आपको सुनना किस तरीके से है उस पर्टिकुलर सॉन्ग को मैं अगर इसे डिफाइन करना चाहूं तो मैं अलग अलग ड्राइवर्स के बारे में आपको बताता हूं बेस आपको इतनी ज्यादा मिलेगी कि सीधा यहीं पे फील होगी आपको बिल्कुल जमीन से आती हुई बेस यहां पे फील होगी एंड दैट इज बेस्ट पार्ट फॉर बेस लवर्स जो इस सिस्टम में आपको देखने को मिलता है सिक्स एंड ए हाफ इंच का जो मिड स्पीकर आपको इस सिस्टम में दिया है दैट इज अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट पार्ट वो इसलिए क्योंकि आप जब मिड्स को कंट्रोल करके अलग अलग जॉनरा को सुनेंगे तो उसमें आपको जो मजा आएगा वो अनबिलीवेबल होगा आप अगर जैस सुनते हैं तो आपको उसमें मिड्स थोड़े ज्यादा चाहिए बेस थोड़ी कम और ट्रेबल भी कंट्रोल्ड एंड दैट इज वॉट यू कैन डू इन दिस सिस्टम आप अगर हार्ड रॉक सुनते हैं तो आपको मिड्स थोड़े से कम चाहिए लेकिन आप वो किसी और सिस्टम में नहीं कर सकते आपको उसमें बेस ज्यादा चाहिए और ट्रेबल थोड़ी कम ट्रेबल और बेस आप बूस्ट या फिर कम कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में लेकिन आप मिड कंट्रोल कैसे करेंगे दैट इज बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑफ दिस सिस्टम इस टावर के अंदर ऑक्स यूएसबी एस कार्ड और ब्लूटूथ से आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस टावर के अंदर ऑप्टिकल पोर्ट उससे जरा टीवी को कनेक्ट करके ये तो देखें कि ये साउंड कैसा करता है क्या लगता है आपको एक 5.1 चैनल साउंड बार से आपको प्रॉपर सराउंड साउंड इफेक्ट मिल सकता है वेल well, मेरे पास इस समय सोनी की S40R साउंड बार है जिसे पिछले दो हफ्तों से मैं लगातार यूज करके टेस्ट कर रहा हूं और आज जो मैं आपको उसका रिव्यू दिखाऊंगा वो आपने पूरे YouTube पे नहीं देखा होगा बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि ऐसा रिव्यू मैंने भी आज तक नहीं बनाया किसी भी ऑडियो डिवाइस का इस ऑडियो और वीडियो टेस्ट के अंदर आपको जो जबरदस्त क्लैरिटी डायलॉग्स की सुनने को मिली वो इसलिए थी क्योंकि इस टावर के अंदर हमने मिड कंट्रोल को फुल कर दिया बेस को कम और ट्रेबल को भी थोड़ा सा कम कर दिया और उससे हुआ ये कि आपको डायलॉग क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलने लगी मूवी के अंदर और यही हमें चाहिए होता है जब हम एक टीवी के साथ किसी भी ऑडियो सिस्टम को लगाते हैं तो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ अ बीस्ट सिस्टम फॉर अ टीवी अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं और हम ये देखते हैं कि एस टी ट्रिपल सेवन की आखिर मेन यूएसपी है क्या वो है तीनों ड्राइवर्स का सेपरेट कंट्रोल जो आपको दिया गया है लेकिन उससे होता क्या है उससे होता ये है कि आप जिस भी जॉनरा का सॉन्ग सुनेंगे आप इस सिस्टम को उस जॉनरा के हिसाब से ट्यून करके परफेक्ट ऑडियो एंजॉय कर पाएंगे पर आपको यह पता कैसे चलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऑडियो फाइल का लिंक दिया है उस लिंक को क्लिक करके आप उसे डाउनलोड करें उसमें आपको अलग अलग जॉनरा के सॉन्ग्स मिलेंगे एक डॉक्यूमेंट भी उसी फाइल के अंदर अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन सॉन्ग्स के नाम भी लिखे हैं उन सॉन्ग्स के लिंक भी दिए हैं और उन सॉन्ग्स के अंदर जो सेटिंग्स पे हमने उसे प्ले किया है वो भी दिया है आप खुद भी उस चीज को एस टी ट्रिपल सेवन पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैज सुनते हैं तो आपको फुल सेटिंग्स पे भी एक सॉन्ग मिलेगा और वही सॉन्ग आपको जैज की ऑडियो ट्यूनिंग के साथ भी सुनने को मिलेगा और वो स्पेसिफाइड होगा उस लिस्ट के अंदर आप अगर क्लासिकल सुनते हैं तो फुल सेटिंग्स और क्लासिकल की बेस्ट सेटिंग्स के साथ आपको वो ऑडियो सॉन्ग मिलेगा और अगर आप बॉलीवुड या पंजाबी सुनते हैं तो आपको पंजाबी सॉन्ग फुल सेटिंग्स पे और जिस सेटिंग पे आपको सुनना चाहिए इस सिस्टम में उसके साथ भी मिलेगा बहुत सारी बातें हो गई इस सिस्टम के बारे में लेकिन अब सीधा बढ़ते हैं एंड कॉन्स की तरफ लेकिन मैंने आपको जैसे वादा किया था कि मैं कौन से सिस्टम की आपको सबसे पहले बताऊंगा तो उसी से शुरू करते हैं इस सिस्टम के अंदर आपको एक बहुत ही लो क्वालिटी एंड एवरेज रिमोट कंट्रोल साथ में मिलता है जिसे आज तक ओबेज ने कभी भी इंप्रूव नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि अगले छह महीने या एक साल तक वो और इंप्रूव करने वाले हैं रेस्ट इज अपू ओबेज इस सिस्टम के अंदर जब आप एयर वेंट को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको Obej के HT 144 का एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा and that is the power supply of 144. ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी 144 सिस्टम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है ओबेज का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स और उसकी पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करी गई है दैट इज द गुड पार्ट बट द बैड पार्ट इज इट लुक्स अगली आई डोंट नो वॉट टू से इस चीज को कैसे कवर करा जाता है लेकिन एज पर ओबेज देर वॉज नो वे एप्सोलूटली नो वे टू कवर दिस बट दैट इज स्टिल देयर बट हमें उस एयरवेंट के अंदर झांक के नहीं देखना है दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग एक और चीज जो आप में से कुछ लोगों को शायद कंसर्न करेगी कि यह बहुत ज्यादा लाउड नहीं है बट इन माई ओपिनियन इट इज इनफ लाउड कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं आइए देखिए डेसिबल मीटर पे जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये 110 डेसिबल्स तक पहुंचा एंड लेट मी टेल यू जब कोई भी सिस्टम 100 डेसिबल्स के आसपास होता है दैट इज एनफ लाउड व्हाई यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ लाउडनेस इन दिस सिस्टम इट इज ओनली बिकॉज क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी प्रपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से करी गई है वो इतनी अच्छी है कि आपको में ना तो बेस चुभेगी ना ट्रेबल और ना ही मिड्स. जब इक्वल प्रोपोर्शन पे सारी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर होती हैं, तो आपको तेज वॉल्यूम में भी एंजॉयमेंट होती है और आप लो वॉल्यूम पे भी ऐसे सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हैं दो कॉन्स जो मैं आपको बताने भूल गया वो ये है कि इसका वजन बहुत ज्यादा है ये टावर 14 केजी से ऊपर वे करता है एंड दैट इज टू हैवी आप इसे उठा के इधर उधर घूम नहीं सकते और अगर आप इस सिस्टम से पार्टी करना चाह रहे हैं स्पेशली आउटडोर पार्टी देन दिस इज नॉट द राइट सिस्टम आप ये सिस्टम आउटडोर पार्टी के लिए यूज नहीं कर सकते अब बढ़ते हैं प्रोज की तरफ और प्रोज में मेरा सबसे पहला प्रो होगा कि ये एक पार्टी स्पीकर है एंड वॉट डू यू थिंक अ पार्टी स्पीकर इज मेरे हिसाब से एक पार्टी स्पीकर वो नहीं होता जिसमें रंग बिरंगी लाइट्स जलती हैं मेरे हिसाब से एक पार्टी स्पीकर वो होता है जिसमें आप रॉक हार्ड रॉक पंजाबी बॉलीवुड कुछ भी सुनने पार्टी के दौरान एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इनडोर पार्टी और उसके बाद आफ्टर योर डिनर यू वॉन्ट टू रिलैक्स एंड लिसन टू अ गजल या फिर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहते हैं या फिर ओल्ड हिंदी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तब आपको वही सिस्टम काम में आए क्या आप किसी प्लास्टिक के बने पार्टी स्पीकर पे ऐसा काम कर सकते हैं अगर नहीं तो इस सिस्टम में कर सकते हैं लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो फाइल्स का जिसमें आप 10% वॉल्यूम पे उस सॉन्ग को सुन सकते हैं जो हमने इस सिस्टम से रिकॉर्ड किया था दूसरा प्रो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और वो है ट्राई एम्पलीफिकेशन का इस सिस्टम में तीन एम्प्लीफायर लगे हैं और वो बेस मिड्स और ट्रेबल तीनों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं पावर डिलीवरी बहुत शानदार तरीके से करी गई है जिसकी वजह से आप अपना साउंड सिग्नेचर खुद बना पाएंगे आप जैस सुने क्लासिकल सुने रॉक सुने पंजाबी सुने या कोई भी हिंदी सॉन्ग सुने पुराना या नया आप इस सिस्टम में उसे एंजॉय कर सकते हैं एंड आई हंड्रेड परसेंट गारंटी कि वी एम वन ट्यून्ड एस टी ट्रिपल सेवन आपकी चॉइस पे खरा उतरेगा एक और बहुत अच्छा प्रो है इस स्पीकर का और वो है कैरेओके का इंक्लूजन इस टावर स्पीकर में और इसमें आप एक वायर्ड माइक लगा के वॉल्यूम और एको को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमने भी किया देखिए आगे

मैंने आपको बहुत सारे प्रोज बता दिए ऑडियो सिग्नेचर को ट्यून करने के बारे में लेकिन आपको ये अभी तक नहीं बताया कि इस सिस्टम का बाय डिफॉल्ट ऑडियो सिग्नेचर आखिर है क्या दिस इज स्लाइट वी ऑडियो सिग्नेचर यानी बेस थोड़ी सी ज्यादा ट्रेबल थोड़ी सी ज्यादा और मिड थोड़ी सी कम एंड दैट इज कॉल्ड स्लाइट वी ऑडियो सिग्नेचर उसे आप जब अपने तरीके से ट्यून करेंगे देन यू विल गेट परफेक्ट ऑडियो सिग्नेचर जो आपको किसी भी सिस्टम में किसी भी जोनरा के सॉन्ग में मिलना चाहिए ट्राई एम्प्लीफिकेशन के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन भी बताता हूं यह एक मोनो सिस्टम है स्टीरियो नहीं यह एक बहुत बड़ा कॉन है इस सिस्टम का लेकिन क्या आप स्टीरियो सिस्टम सुनते हैं अगर आपके पास एक 2.1 सेटअप है या फिर आपके पास एक डुअल टावर सेटअप है और आप उसे थ्री फीट के डिस्टेंस पे सुन रहे हैं तो आप तब भी मोनो साउंड ही सुन रहे हैं स्टीरियो सेटअप के लिए आपको दोनों स्पीकर्स में यानी दोनों टावर्स के अंदर एक अच्छा डिस्टेंस देना पड़ेगा लेट्स से सेवन फीट और अब अगर आप वो कर रहे हैं तो आप एक स्टीरियो सिस्टम ले रहे हैं और स्टीरियो सिस्टम का जो फायदा आपको मिलता है वो मैंने आपको पहले की क्लिप्स में भी सुनाया टीवी के साथ लगा के भी और ऑडियो फाइल्स में भी आप चेक करिए कि एक मोनो सिस्टम कितना शानदार तरीके से साउंड कर सकता है स्टीरियो ना होते हुए भी अब हम बात करते हैं कि एसटी ट्रिपल सेवन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा लाउड ऑडियो सिस्टम सुनते हैं आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए अगर आपको आउटडोर पार्टी करनी है आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए अगर आप इसे 500 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट के रूम में लगाना चाह रहे हैं आपको 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 इसे इसे तब तब खरीदना खरीदना चाहिए चाहिए अगर अगर म्यूजिक की समझ है आपको इसे तब खरीदना चाहिए अगर आप अपने ऑडियो सिग्नेचर खुद कस्टमाइज करना चाहते हैं आपको इसे तब खरीदना चाहिए अगर आप हर जॉनरा के सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं आपको इसे तब खरीदना चाहिए अगर आप एक पार्टी स्पीकर भी चाहते हैं इंडोर पार्टी स्पीकर और उसके बाद आप क्लासिकल म्यूजिक भी एंजॉय करना चाहते हैं गजल भी एंजॉय करना चाहते हैं उसी सेम स्पीकर से आपको इसे तब खरीदना चाहिए जब आपको खुद ट्यून करके ऑडियो सिग्नेचर बनाने में मजा आता हो एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट आप में से कई लोगों को यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओबेज के साथ कि उनकी सर्विस या उनका सर्विस नेटवर्क आपके होम टाउन तक नहीं है वेल well, यह प्रॉब्लम आज से खत्म एस टी ट्रिपल सेवन के लॉन्च के साथ ओबेज ने लॉन्च करा है ऑन साइट सर्विस फॉर ऑल दी मॉडल्स जितने भी मॉडल्स आपके पास हैं उनकी ऑन उन साइट सर्विस आपको ओबेज की तरफ से मिलेगी इंक्लूडिंग एस टी ट्रिपल सेवन दोस्तों ऑडियो फाइल्स का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना सिर्फ उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो अलग अलग जॉनरा के हैं और हमने अलग अलग सेटिंग्स में उन्हें रिकॉर्ड किया है बल्कि आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिलेगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे ऑडियो सिग्नेचर्स होंगे जिन्हें यूज करके हमने उन सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया है उससे आपको बहुत मदद होगी जब आप अपने एस ट्रिपल सेवन पे उस जॉनरा का सॉन्ग सुनेंगे और उस तरीके से उसे ट्यून करेंगे और दोस्तों आज भी हमारे चैनल की कमाई का जरिया जानते हैं क्या है आप जब हमारे लिंक से कुछ खरीदते हैं तो ही इस चैनल की कमाई होती है उसी से हम ग्रो करते हैं और उसी से ओबेज जैसा बढ़िया ब्रांड हमें ऐसी ऑपरचुनिटी देता है हम ओबेज से पैसे नहीं लेते हम पैसे आपसे लेते हैं बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए एंड मैं ओबेज को इस वीडियो के जरिए बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आपके लिए ऐसा सिस्टम डिज़ाइन और ट्यून करने का इससे आपको जो बेस्ट क्वालिटी ऑडियो मिलेगी वही मैं आपको देना चाहता हूं बताइएगा जरूर कि आपको यह सिस्टम कैसा लगा क्योंकि इसका प्राइस ओबेज ने रखा है सेवन फाइव नाइन नाइन अप्रोक्सीमेटली सेवनटी सिक्स हंड्रेड रुपीज इसका प्राइस है इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जरूर चेक करिएगा मुझे लगता है कि मैंने एस टी ट्रिपल सेवन के बारे में आपको वो सब कुछ बता दिया जो आपको जानना चाहिए लेकिन हो सकता है अभी भी आप कुछ जानना चाहते हो कोई सवाल हो आपका डोंट वरी कमेंट सेक्शन लिखिए अपना क्वेश्चन और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा या फिर आप आ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे और वहां मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपका जवाब हंड्रेड परसेंट गारंटीड फोर्टी एट आवर्स के अंदर करूंगा ही करूंगा और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच